वेलकम टू माय चैनल बॉटम्स अप ऋषिकेश। तो दोस्तों, अक्षय कुमार एक बार फिर से आ चुके हैं अपनी नई मूवी के ट्रेलर के साथ, जिसका नाम है रक्षाबंधन। तो ये रक्षाबंधन जो मूवी है, ये एक भाई बहन की प्यार पे बेस्ड मूवी है और इसके डायरेक्टर हैं आनंद एल राय, जिन्होंने तनु वेड्स मनु बनाई थी। तनु वेड्स मनु आपने देखी होगी, तो बताना प्लीज़ आपको कैसी लगी थी। मुझे तो बहुत पर्सनल फेवरेट मूवीज में से एक है तनु वेड्स मनु। और बाकी अक्षय कुमार की बात करें तो अक्षय कुमार की लास्ट मूवी थी पृथ्वीराज, उससे पहले थी बच्चन पांडे और उससे पहले थी बेल बॉटम। तीनों ही मूवी बॉक्स ऑफिस पे अपना जलवा बिखेरने पे नाकामयाब रही थी। बाकी ये जो नई मूवी का ट्रेलर आया है अक्षय कुमार की रक्षाबंधन, तो ये देखते हैं ट्रेलर कैसा होता है और इसके बारे में जो भी रिएक्शन होगा, रिव्यू होगा, ट्रेलर देखने के बाद ही बता पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मिनट, क्या लिखा है? समटाइम्स बीइंग अ ब्रदर इज इवन बेटर देन बीइंग अ सुपर हीरो। सही बात है भाई, जैसे ही मेरी बहनों की शादी हो जाएगी मैं ले आऊंगा इनकी शादी। ये आया बहनों का तड़का, भाई तो देख लिया। सुबह को भी शाम को भी तेरी कनों में जय जयकार जी। क्या गारंटी है कि आपके गोलगप्पे खाने से लड़का ही होगा? 25 रुपए के गोलगप्पे के साथ साथ सर्टिफिकेट भी दे दे तुझे। सालों से इंतजार कर रही है तू इस आदमी का, कभी अपनी बहनों की शादी करेगा, कब तेरे से शादी होगी? खुद तो अपनी माँ को वचन देके मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गया और मेरे को बना दिया साला जटायु। 20 लाख एक लड़की की शादी के लिए बहुत ज्यादा, 4 महीने डिस्काउंट तो बनता है। जो वैरायटी लेके आए हो ना, कमीशन डबल बनता है। कौन सा बैंक लूट के लाऊंगा, एक बहन होती तो कुछ कर भी लेता, यहाँ तो 4 है। कुत्ते गए हैं बेटा। मेरा कम डन कर दो एक बार जी। अच्छा, तो एक मिनट, क्या लिखा था इन्होंने? कुत्ते गए हैं बेटा। तो मेरा कम डन कर दो। ये हिमेश रेशमिया का म्यूजिक रहेगा इस मूवी में और इस मूवी के जो गाने होंगे उसमें लिरिक्स रहेंगे इस साथ कामिल के। मुझे तो यार ये जो जागरण है, मेरे ख्याल से अक्षय कुमार इसमें एक भाई का रोल तो कर ही रहे हैं ऑब्वियसली, और उसके साथ ही ये एक उनकी एक चाट की दुकान रहेगी जिसमें वो गोलगप्पे वगैरह बेचेंगे, और साथ में मेरे ख्याल से जैसे अभी आपने देखा वो जागरण भी करेंगे। तो देखते हैं क्या होती है मूवी और आगे। बड़े फेमस होते हैं, मैं शादी करवा दूंगा तेरी से। कबाड़ी वाला है वो। कबाड़ी वाला मेरी लुगाई। 8 महीने में रिटायर होने वाला हूँ। रिटायर होने से पहले मैं अपनी बेटी का घर बसा हुआ देखना चाहता हूँ। 6 महीने तेरे पास, वरना कोई बढ़िया सा रिश्ता देख के ना इसको निपटा दूंगा। फिर याद करते रहना अपने बचपन का प्यार। प्यार, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। यार देखो, यही होता है ट्रेजिडी जो एक भाई के ऊपर बीतती है। अपनी 4 बहनों की शादी कराएगा इस मूवी में, तो देखो आगे ट्रेलर में क्या क्या निकल के आता है, देखते हैं। नहीं रुकूंगा मैं, और दहेज देने के पैसे हैं मेरे पास। भाई साहब, इस देश के हर घर में एक बेटी बैठी है जिसका दहेज कम पड़ रहा है। सही बात है। और बस इस उम्मीद में कि वो छाती ठोक कर उसे विदा कर सके, उसका बाप भाई अपनी हड्डियां गला रहा है। किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले कुछ नहीं होगा भैया, मेरी और इन 3 लड़कियों की किस्मत में कुछ कमी है। बेटियों की शादी कराने के लिए महादेव खुद आते हैं, जिस राम ने चोंच दिए वही दाना भी देगा। ये भी सही बात है यार। ये मूवी में जो मेन आपकी तीनों बहनें हैं, सॉरी 4 बहनें हैं जो अक्षय कुमार की, उनके नाम भी बताए गए हैं। देखो जैसे ये हैं सादिया खाती, सेकंड नंबर पे हैं ये सहजमीन कौर, तीसरी है दीपिका खन्ना जो ये मोटी सी लड़की है, और ये चौथी है स्मृति श्रीकांत। भूमि पेडनेकर को तो आप जानते ही हैं, अक्षय कुमार। ये देखो मूवी के प्रोड्यूसर का नाम भी बताया गया था, क्या था भाई? प्रोड्यूस बाय आनंद एल राय, हिमांशु शर्मा। रक्षाबंधन। भैया कहाँ से लाए आप मेरी शादी के लिए ये पैसे? दुकान गिरवी रखती। मेरी शादी के लिए ये क्या?
इन तीनों के लिए क्या करोगे? दो दो किडनी है, एक बेच दूंगा। देखो यही है खासियत अक्षय कुमार की कि एक सीरियस लाइन को भी कॉमेडी लाइन में बोल देता है यार, और बंदे को खुशी भी मिल जाती है, हंसी भी आती है। देखो अब फिल्म भाई आनंद एल राय, जैसे मैंने बताया था आपको, इन सिनेमा 11th of August 2022। तो दोस्तों जैसा कि हमने ट्रेलर देखा रक्षाबंधन का, मुझे तो यार देखो ये ट्रेलर देख के लग रहा है कि ये अपना जो अक्षय कुमार की मूवीज आती हैं कॉमेडी वाली और सस्पेंस वाली प्लस इमोशंस रहते हैं इसमें, तो ये तीनों ही चीज़ों से भरपूर मूवी है। और इसमें जो भाई बहन के प्यार को मतलब रिलेशन को दिखाया गया है कि एक भाई अपनी बहन के बहनों के लिए चार बहनों की शादी के लिए क्या कुछ नहीं करता है, चाट की दुकान चलाता है, सिलेंडर धोता है और आपका जागरण करता है। तो बाकी देखते हैं इस मूवी में क्या क्या ट्विस्ट रहने वाले हैं। 11th of August को हमें पता चलेगा ही। तो चलो कैसे लगा आपको ये ट्रेलर, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।